हवा में फैलने वाले प्रदूषण के पार्टिकल को देखें तो आप देखते हो कि इसकी साइज है 10 माइक्रोमीटर का। उससे छोटा होता है हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो कि होता है 7 माइक्रोमीटर का। जब हम और बारीक में जाएंगे तो हम पाएंगे कि जो बैक्टीरिया होता है वो होता है 0.5 माइक्रोमीटर का, यानी PM10 के पॉल्यूशन पार्टिकल से 20 गुना ज्यादा छोटा। और जब हम आते हैं वायरस पर तो वायरस होता है 0.1 माइक्रोमीटर का, यानी PM10 सॉल्यूशन पार्टिकल से 100 गुना ज्यादा छोटा। इतना छोटा होता है ये वायरस। वायरस क्या होता है? एक ऐसा लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित व्यक्ति के संपर्क में आने पर जिंदा हो जाता है और मृत चीजों के संपर्क में आने पर ऑटोमेटिकली ही वो निष्क्रिय हो जाता है। ये इतना छोटा होता है कि एक बैक्टीरिया के ऊपर भी वायरस हो सकता है। और ये बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया भी एक पैथोजन है जो कि शरीर में पहुंचकर बीमार करता है। बस इसमें ये होता है कि इसे एंटीबायोटिक द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है या इसे खत्म भी किया जा सकता है, पर ये वायरस से बड़े होते हैं और ये कोशिकाओं को डैमेज भी करते हैं। अब आप जो ये सुन रहे हो फंगस इन्फेक्शन, ये फंगस या फंगाई आखिर होता क्या है? आजकल चल रहा है ना, कोरोना से हो जा रहा है लोगों को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, आखिर ये फंगस है क्या? चलिए आपको आसान से आसान शब्दों में बताते हैं। देखिए, आपको कभी न कभी दांत खाज खुजली होती है ना स्किन पर, या जेनिटल्स के आसपास, स्किन पर कहीं पर भी, ये जो आप डार्क या लाल रंग के सर्कल देख रहे हैं जिसे रिंग वॉर्म भी कहते हैं, ये वो फंगस इन्फेक्शन ही है। स्किन पर ये जो आप उभरा उभरा पार्ट देख रहे हैं ये वो फंगस इन्फेक्शन ही है जो स्किन पर लग गया है। अब चलिए आपको ढंग से समझाते हैं। जैसे प्लांट होता है ना, वैसे ही ये फंगस भी होते हैं। इन्हें हिंदी में कवक या फफूंद कहते हैं। देखिए, ये प्लांट की तरह तो होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और भी कई सारे बायोलॉजिकल चीज इनमें प्लांट जैसे तो नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें एक अलग एनिमल किंगडम में रखा गया है। और ये क्लोरोफिल क्या होता है? वही हरे रंग का केमिकल जो पौधों में हरे रंग को लाता है। ये फंगस उस जगह जल्दी से ग्रो करते हैं जो जगह थोड़ी मॉइस्ट हो, थोड़ी वार्म हो। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जो बड़े आकार के फंगस होते हैं वो होते हैं मशरूम, और जो छोटे आकार के फंगस होते हैं वो मोल्ड या यीस्ट के फॉर्म में होते हैं, वही खमीर जिससे ब्रेड बनाया जाता है। और ये फंगस ब्रेड में लगकर ब्रेड को खराब भी कर देते हैं। किसी चादर के ऊपर अगर वो चादर बहुत दिन तक धुली हुई ना हो तो उसके ऊपर भी ये फंगस लग सकते हैं। ये फंगस कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, ह्यूमन के स्किन पर, किसी भी जीव के स्किन पर, किसी भी प्लांट के तने पर या किसी पेड़ के तने पर भी, किसी भी नमी वाले तकिए या नमी वाले या गंदी रहने वाले चादर पर भी उग सकते हैं ये। और जब ये फंगस ह्यूमन के स्किन पर लगते हैं तो ये बीमारी का रूप ले लेते हैं, और ये बहुत घातक बीमारी भी बन जाते हैं कई बार। तो इन्फेक्शन होता क्या है? इन्फेक्शन होता है किसी बाहरी जीव का हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना। इसी तरह जब ये फंगस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, स्किन पर या शरीर के अंदर, तो उसे फंगस इन्फेक्शन कहते हैं। देखिए, ये फंगस इन्फेक्शन होता कैसे है? ये फंगस मान लीजिए किसी प्लांट या किसी गोबर या किसी भी एनिमल डंग के ऊपर ज्यादा रहते हैं। मिट्टी में भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब आप ऐसे ही किसी जगह पर जाते हो तो ये आपके शरीर में बाय एयर प्रवेश कर जाते हैं। ये शरीर में कहीं भी चिपक जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये आपके स्किन पर आते हैं, वैसे ही स्किन के पास कहीं भी ये एक पोर ढूंढ लेते हैं स्किन के अंदर। वहां से ये अपने जड़ों को या कहिए पोषण देने वाले हाइफा जैसे स्ट्रक्चर को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने लगते हैं, जिसके बाद से ये स्किन के अंदर ही पोषण लेना शुरू कर देते हैं और वहां पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये शरीर के अंदर ग्रो करने लगते हैं, ये एक खास प्रकार के प्रोटीन को रिलीज करने लगते हैं, जिससे शरीर को ये पता चलता है कि स्किन के इस भाग में फंगस का इन्फेक्शन शुरू हो गया है, और शरीर उस स्पेशल टिश्यू या उस स्पेशल सेल को जहां पर ये फंगस ग्रो कर रहा है, उस सेल में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई ही बंद कर देता है, जिससे ये सेल मर जाती है, और सेल के मरने के साथ ही फंगस ग्रो करना बंद कर देता है। लेकिन अगर किसी कारण से इम्यून सिस्टम इस फंगस को रोक पाने में असक्षम होता है तो ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर बहुत ही बुरी बीमारी भी बन सकते हैं। और अगर यही फंगस शरीर के अंदर ग्रो करने लगे और इन्हें रोका भी नहीं गया तो ये बहुत बुरी तरीके से आसपास के टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ऑर्गन टिश्यू काम करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम इस फंगस से लड़ पाने में पूरी तरीके से सक्षम है, और अधिकतम केस में इंटरनल बॉडी के अंदर में इस फंगल इन्फेक्शन को रोक पाने में बॉडी सक्षम है। ये केवल उन्हीं लोगों के बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करता है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है। जैसे आजकल कोरोना की ट्रीटमेंट लेने में
इतना ज्यादा स्टेरॉयड लेना पड़ रहा है जिसके कारण से इम्यून सिस्टम नेचुरली काम ही नहीं कर पा रही है और लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जा रहा है जिसके कारण से म्यूकोरमाइकोसिस वाले फंगस शरीर के अंदर ही ग्रो करने लग रहे हैं। इसी तरह आपको ये भी ध्यान होगा कि कई लोगों को दांत खाज खुजली जैसी समस्या भी होती है स्किन के ऊपर, ये भी फंगस ही होता है। देखिए, अगर आपको इससे बचना है तो आपको अपने स्किन को हमेशा ड्राई रखना है, कभी भी स्किन को मॉइस्ट या नमी में बहुत देर तक नहीं रखना है, चाहे वो बहुत ज्यादा पसीने से हो या नहाने के बाद गीले रहकर रहने से। अगर आपकी स्किन में नमी होगी और थोड़ा सा गर्माहट भी तो वहाँ पर फंगस ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको फंगस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बतानी है तो वो भी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं आपके राय को जानने के लिए।